जयपुर व्यापार महासंघ द्वारा विश्व धरोहर मिसुमार बड़ी चौपड़ पर व्यापारियों की समस्याओं को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए विशेष धरना दिया गया। दोपहर 11 से 2 बजे तक आयोजित इस धरने में जयपुर शहर के सभी बाजार के व्यापारियों ने बड़ी संख्या में भागीदारी की। जयपुर शहर के बाजारों से जुलूस के रूप में व्यापारिक एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे लगाते हुए व्यापारी धरना स्थल पर पहुंचे। जयपुर शहर के करीब 80 से अधिक व्यापार मंडल एवं होलसेल और रिटेल व्यापार से जुड़ी हुई सभी प्रमुख व्यापारिक संस्थाओं ने इसमें भाग लिया। धरने की अध्यक्षता व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल ने की। जयपुर व्यापार महासंघ के महामंत्री सुरेंद्र बज ने बताया कि धरने की शुरुआत में प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन पर क्रियान्वयन देखने को मिला। चारदीवारी के बाजारों में यातायात सुचारू रूप से चला और ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं रही। प्रशासन यदि तत्परता से काम करे और व्यापार महासंघ के सुझावों पर अमल करे तो चारदीवारी के भीतर यातायात की ही नहीं सभी सार्वभौमिक जन समस्याओं का निदान हो सकता है और ई रिक्शा के संबंध में प्रशासन द्वारा नीति बनाए जाने पर ई रिक्शा की संख्या भी चारदीवारी में नियंत्रित होगी। रामनिवास बाग, अंडरग्राउंड पार्किंग को संजय बाजार, रोई मंडी व रामलीला मैदान को अंडरग्राउंड सबवे द्वारा जोड़ने पर नागरिक रामनिवास बाग का पार्किंग का अधिकतम उपयोग कर सकेंगे व चारदीवारी के बाजारों में पार्किंग भार में कमी आने से यातायात व्यवस्था सुधरेगी। व्यापार महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष हरीश केगड़िया व वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश सैनी ने धरने को संबोधित करते हुए बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन के पास अंडरग्राउंड वन लेवल पर चौपहिया व दुपहिया वाहनों की पार्किंग उपलब्ध करवाने पर जोर दिया। धरने में व्यापार महासंघ के उपाध्यक्ष नीरज लोहाड़िया, प्रकाश सिंह व मंत्र सिंह राजावत ने व्यापारियों की समस्याओं पर प्रकाश डालने की मांग की। बाजारों से नॉन वेडिंग जोन से हर तरह के अतिक्रमण हटाए जाने और संजय बाजार से हटवाड़ा खत्म किए जाने की भी मांग की गई। धरने का संचालन संयोजन कैलाश मित्तल ने किया। धरने पर ऑटो रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष कुलदीप सिंह व महामंत्री जगदीश नारायण शर्मा ने व्यापार महासंघ को इस बात पर सहमति व्यक्त की कि प्रशासन द्वारा जयपुर में ऑटो रिक्शा यूनियन से वार्ता कर नई दर निर्धारित करने पर ऑटो रिक्शा मीटर से चलेंगे। आखिर में व्यापार महासंघ द्वारा विश्वास व्यक्त किया गया कि व्यापारियों की समस्याओं के संबंध में प्रशासन द्वारा जल्द ही ठोस कार्रवाई की जाएगी, अन्यथा व्यापार महासंघ द्वारा समस्याओं के निदान के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। और बहुत बड़ी संख्या में आप जुलूस लेकर के आए, आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम सबसे अपनी मांगों के संबंध में निवेदन कर चुके हैं और आज के इस धरने का हमारे जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष सिंह गोयल, राष्ट्रीय व्यापार कल्याण बोर्ड के सदस्य हमारे बीच में मौजूद है। आज के हमारे धरने के संयोजक कैलाश जी भी हमारे धरने के मौजूद है। व्यापार महासंघ के वरिष्ठ महासचिव हमारे बीच में मौजूद है। इस बड़ी चौपड़ और जयपुर शहर में 20 साल के बाद सरकारें कांग्रेस की भी आई, बीजेपी की भी आई, लेकिन व्यापारी अपनी परेशानियों से जूझता रहा, परेशान होता रहा, अपनी मांग सरकार के समक्ष रखता रहा। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि सरकार के मुख्यमंत्री है कि जयपुर शहर की समस्याओं का पूरे जयपुर शहर के निवासियों के लिए रहे। व्यापारी तो समस्या से जूझ ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है प्रशासन के अधिकारियों द्वारा जो हमारे पर जो परेशानियां खड़ी कर रखी है उसके ऊपर उन्होंने धरना दिया है। आज हम काफी वर्षों से प्रशासन से ज्ञापन दे रहे हैं, आश्वासन ले रहे हैं, लेकिन हमारी मांगों में आश्वासन से कुछ भी नहीं मिला, तो आज मजबूर होकर हमको धरने पे आना पड़ा। आप देखिए बड़ी चौपड़ पे इतना बड़ा ही हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे अग्र बंधु, हमारे व्यापारी वो भी इस प्रांगण में विराजे हुए हैं। रेडीमेड कपड़ा, मिठाई, हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी, जवाहरात, सोना चांदी, न जाने कितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं और इस बात को आज गौर से सुन रहे हैं कि आज आप देख रहे हैं, पता चल रहा है आपको कि कितनी समस्याएं हैं। परकोटे के अंदर, परकोटे से बाहर जयपुर शहर की समस्या है। आप देखेंगे पलायन, पलायन
व्यापारियों का पलायन हो रहा है। जयपुर में जो दुकानें एक एक दो दो करोड़ की हुआ करती थी, आज उनकी कोई वैल्यू नहीं है। धंधे बाजार समेट के, व्यापार समेट के बाहर जाता जा रहा है परपटे से, और व्यापारी यहाँ पे देखता जा रहा है कि यार जाम और इनकी इन स्थितियों से ही उलझता जा रहा है, रख देता है और बाहर की गाड़ी को देख करके उनको तरह तरह से परेशान किया जाता है। इसके लिए हमने कई बार पुलिस कमिश्नरेट में कमिश्नर साहब को भी बता दिया, उन्होंने इसको स्वीकार भी किया, परंतु बिल्कुल कोई सुनने को उसके नाम पर कुछ भी नहीं होता है। ट्रैफिक डीसीपी साहब से हमारी कई बार इसमें मंत्रणा हुई, उन्होंने ये भी कहा कि हम मौके पर आ रहे हैं, आज दिन हो गया, कोई आज दिन तक कभी कोई मौके पर नहीं आया। ये डीसीपी साहब है, इनसे पहले कई डीसीपी साहब आकर के चले गए, पर कोई भी मौके पर आज दिन तक नहीं आया, कोई सुनवाई नहीं हुई। ई रिक्शाओं की भीड़ का प्रश्न जहां तक है, हमने ये बात एक साल पहले उठा दी थी कि भाई जिसका जो जुड़े हुए हैं, ये समस्याएं सबके लिए साथ में कॉमन है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेले व्यापारी की समस्या है। जैसे कैलाश ने कहा कि यहाँ के जो रेजिडेंट हैं उनकी भी समस्याएं हैं, छोटा दुकानदार है, बड़ा दुकानदार है, सबकी समस्याएं हैं। आज पार्किंग माफिया जो है, इन्होंने एक तरह से पूरे बाजार को खरीद रखा है, चार जोड़ी के जितने बाजार हैं। हो सकता है किसी में कोई दूसरा आदमी दिखता हो, कहीं पर कुछ और दिखता हो, लेकिन सबके पीछे एक ही पूरा संगठन हुआ जाता है। कैसे मुल्क पर कुर्बान लिख देना, और तू मेरे खून से घर घर में हिंदुस्तान लिख देना, हिंदुस्तान लिख देना। हम वो व्यापारी है जो हिंदुस्तान को सीने में लेकर चलते हैं, हम वो व्यापारी है जो परिवार के व्यापारियों को, बच्चों को लेकर स्टाफ के परिवार को परिवार मान के चलते हैं। ई रिक्शाएं चलते हैं आज, वास्तव में सही बात है। मैं वहां से जब आ रहा था जयपुर से, ऐसा लग रहा था जैसे कोई कर्फ्यू लग गया, यार कोई साधन ही नहीं दिख रहा है। तो आज ही रिक्शा वालों पर चालान क्यों ठोका जा रहा है? आपको लॉलीपॉप दी जा रही है, वो जिम्मेदार है। हम किस सरकार की निंदा नहीं करना चाहते, सरकार कोई भी आएगी जाएगी, आज कौन है कल कौन आएगा, लेकिन जो यहाँ पे व्यवस्था करते संभालते सरकारी नुमाइंदे, वो जिम्मेदारी उन लोगों की है। मैं आग्रह करूंगा कि सरकार के माध्यम से उन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए हम उन लोगों को लाएं और उनसे हमारे समस्या का समाधान करवाएं। हवा मिल की बात करूंगा, जे पैक इसका नाम लेके पूरे वर्ल्ड में हम उछलते फिरते, जहां मोदी जी पैक भी नहीं आते हैं। निकालिए कि हमारा क्या प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को हम कैसे सक्सेस कर सकते हैं और व्यापारियों का कैसे निवारण कर सकते हैं। आज हर बाजार के अंदर हर दुकानों की कीमतें कितनी बढ़ी हुई थी, उनके भार अधिक बैठे हुए हैं, और वो लोग हमसे ज्यादा पैसा कमा के जाते हैं और हम लोग मुंह देखते रह जाते हैं। तो इसके लिए मैं सब व्यापारियों को कहूंगा कि हमेशा एकता जिस तरह से आज बना के रखी है, इस तरह से एकता बना के रखें। जय हिंद, जय भारत, व्यापार मंडल, व्यापार मंडल, जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार, और यहाँ बैठे जयपुर व्यापार महासंघ के पदाधिकारीगण और विभिन्न व्यापार मंडल, मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो एक इतनी बड़ी समस्या के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए। और मैं व्यापारी बंधुओं को ये भी कहूंगा, ये जो समस्याएं वर्तमान में जिनको लेके आज हम इस धरना स्थल पे बैठे हैं, ये कोई हमारी कोई व्यापारियों की समस्या नहीं है, ये एक आम जन की समस्या है। ये हर पर्यटन हो गए बाबूजार का महामंत्री बने हुए, और जो हमारे कैलाश जी भाई साहब ने बोला कि आज के बाद जो भी अधिकारी आएगा बाजार में आके हम उसको समस्या बताएंगे, हम उसके पास नहीं जाएंगे। हर बार उसके पास गए और हमने समस्या क्या बताई, हमारी पर्सनल व्यापारियों की समस्या नहीं है, हम व्यापार और सब आम जन के लिए काम कर रहे हैं। हम उनको बोलते हैं शौचालय बनवा दीजिए, सफाई करवा दीजिए, व्यवस्था को दुरुस्त कर देंगे, लेकिन अभी वर्तमान में तो पार्किंग को चालू करवाएं, ऐसी व्यवस्था करेंगे आपके बीच में। अभी थोड़ी देर में हवा महल विधानसभा के विधायक श्री बाल मुकुंदाचार्य जी आपके समक्ष उपस्थित होने वाले हैं, कोई मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, उससे फ्री होके और वो यहीं आएंगे। उनसे बात भी हुई है, कैलाश जी की भी बात हुई है, मेरी भी बात हुई है, वो बाकी सारी विषयों पर आपको जानकारी देंगे। यहाँ ये जो लाख व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता है, खाली व्यापार को बढ़ावा देने के साथ में सामाजिक खेल कूद प्रतियोगिताएं और अन्य प्रकार के भी काम करता है। आप देखते होंगे कभी चाहे साइकिलिंग दौड़ हो, चाहे मैराथन हो, चाहे सामाजिक काम हो, क्योंकि हम समाज को आगे बढ़ाने का काम भी करते हैं, हमारे व्यापार को बढ़ाने के साथ साथ। जैसा कि अभी आपने देखा कि 22 तारीख को भी आज जो राम मंदिर का काम हुआ,
पूरा जयपुर कैसे सजा, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सजने वाला काम किया तो जयपुर ने किया और राजस्थान ने किया है। और उसका बड़ा व्यापार भी हमको मिला है, क्योंकि व्यापार टूरिस्ट इतना आया, क्योंकि टूरिस्ट आएगा जब हमारा व्यापार बढ़ेगा। व्यापार के लिए हमने जो भी मांगे रखी है आज सरकार के सामने, मांगे आम जनता की है, हमारी नहीं है। हमारा उसमें जुड़ाव है, क्योंकि जब सुख सुविधा और अच्छा होगा तो हमारा लाभ भी होगा। लाभ इसलिए होगा कि हमारा टूरिस्ट आएगा, हमारा आने वाला मेहमान हमारे घर पे आएगा और वो सुगमता से अपना परचेजिंग करेगा, अपना घूमेगा फिरेगा। तो हम वो चीज चाहते हैं जो सरकार स्वयं भी चाह रही है। कौन सी ऐसी सरकार है जो ट्रैफिक को बाधित करना चाहती है? कौन सी सरकार ऐसी है जो सुलभ का साधन नहीं देना चाहती? कौन सी सरकार है जो अतिक्रमण चाहती है? सारी सरकारों की भी कोई चीज है, खाली हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो बाधाएं आ रही है उन तक हम आज धरना दे करके उनके कानों तक पहुंचाए कि जो हम बातें रख रहे हैं ये आप ही का काम है, हम आप ही के काम को आगे पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में बड़ी सौभाग्य की बात है कि पहली बार हिंदुस्तान में व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया मोदी जी ने। हमारी व्यापारियों के लिए हमेशा जब भी लेटर देना होता था तो वास्तव में किसी अधिकारी को देते थे तो वो कहता था मुझे पता नहीं है, लेकिन आपको एक प्लेटफॉर्म दे करके और व्यापारियों को आगे बढ़ाने के लिए और पूरे वर्ल्ड का व्यापार हिंदुस्तान में सबसे अधिक हो उसका काम भी मोदी जी ने किया, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही जयपुर के लिए सौभाग्य की बात है कि जयपुर में तीन तीन दिन रुक करके प्रधानमंत्री जी और दो दो बार आपकी चार दीवारी क्षेत्र में अपना दौरा करना यह हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और एक बात बताना चाहता हूं भाइयों, आने वाला समय जयपुर के लिए टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा भाग्य है और अच्छा व्यापार निकलेगा और अच्छा व्यापार के लिए लेकिन सुगम यातायात होना चाहिए। आने वाले टूरिस्ट को हर चीज की सुविधा मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिलेगी तो वो अपने दूसरे साथी को बोलेगा कि यार वहां परेशानी है। एक एक आदमी 5-5, 10-10 हजार लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले आपके बीच बैठे हुए हैं। ये जयपुर का धरना नहीं है, ये पूरे राजस्थान का धरना है। हर एसोसिएशन वाले यहाँ बैठे हुए हैं जो अपने आप में बहुत बड़ी ताकत रखते हैं। हम अपनी पीड़ा रख रहे हैं, हमने अपनी पीड़ा को रखी है और वाकई ये पीड़ा होना जरूरी है। और सबको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, इतनी बड़ी त्रासदी जो कोरोना की आपके पास आई थी, एक एक भाई ने इतना बड़ा सहयोग दिया कोरोना में कि शायद ही जयपुर नहीं पूरे राजस्थान में 5 पैसे लेना तो अति बात अलग है, अपने स्वयं के उधार पे अपने पैसों से और जो सेवा करिए मानवता की नाम पर वो अपने आप में एक इतिहास रचा है। और ये देन थी व्यापारियों की, व्यापारी कोई कमजोर नहीं है। और रही बात, व्यापारी नरम होता है, व्यापारी कभी धरना नहीं देता, व्यापारी कभी बंद नहीं चाहता। एक दिन बंद होने का मतलब हमारा अरबों रुपए का नुकसान, हमारा स्वयं का भी है और सरकार का भी है। आज सरकार को चलाने का काम करता है तो व्यापारी करता है। सबसे बड़ा रेवेन्यू 2-2 लाख करोड़ रुपए जो आ रहा है वो इन सब व्यापारियों की वजह से आ रहा है। आधार व्यवस्थाएं चल रही है तो व्यापारियों की वजह से चल रही है। जब व्यापारी इतना नरम है अपनी बात को रख सकता है, लेकिन उसको सरकार को भी हम ये कहना चाहते हैं कि इनको कमजोर ना समझे, ताकि हमारी बात आप जनता तक भी पहुंचाए। आज बड़ी चौपड़ में धरना देने का उद्देश्य यही था कि हमारी बात जनता तक पहुंचनी चाहिए कि हम जो चीज कर रहे हैं वो सत्य है और सही है। और जब पीड़ा घर सिर के बाहर आ जाती है तब ये काम करना पड़ा। इसमें हमारी पूरी टीम, मैं नाम ना भी लेते हुए कहूंगा कि सबने बहुत भरपूर सहयोग है और सब व्यापारियों की एकता का मैं इतना बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक बार नहीं अनेकों बार जब भी हमने बंद की घोषणा करी है या जो भी नियम किया है, सारे व्यापारियों ने, जयपुर नहीं पूरे राजस्थान के व्यापारियों ने अपनी बात को मानी है। इसके लिए भी मैं पुनः पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप देखिए 11 बजे का टाइम था, 10:30 बजे ही व्यापारी लोग आकर के बैठ गए और अभी 2 बज रही है, उससे ऊपर हो रहा है, 3 घंटे से लगातार शायद बाथरूम भी नहीं गए रही आप बैठे हुए। ये आप लोगों की ताकत और आप लोगों का प्यार है और स्नेह है। और रही बात गैलाजी भाई साहब, 100% आपके काम होंगे ये और बता दूं, क्योंकि हम ऐसा कोई काम लेके नहीं जा रहे जो काम ना होने वाला हो। 100% वही काम है जो सरकार खुद चाहती है और वही हम करवाना चाह रहे हैं, तो कहां दिक्कत का विषय, अलग अलग नहीं है। और निश्चित होगा, 100% होगा, इससे पहले भी 100 काम अपन ने करवाए, हमने हमारी बात रखी है और उन्होंने उस बात को स्वीकार किया है। चाहे जयपुर को 2 टुकड़ों में बांटने का काम किया था,
तब भी अपन ने एक किया, चाहे ट्रेड लाइसेंस का काम हो तब भी किया था, चाहे जीएसटी का मुद्दा था तब भी अपन ने किया था। कोरोना में 20 लाख सुरक्षा स्टोर खोल रहे थे सरकार, हमने हमारा आग्रह किया और उन्होंने रोका था।